99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। हेलो, वेलकम टू माय चैनल सिविल्स गैलेक्सी बाई दृष्टि वर्मा। देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसका लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। तो उसके बारे में मैं पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो में दूंगी, पूरी जानकारी फुल सिलेबस के साथ में, प्री और मेंस के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे मेरे को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सिविल्स गैलेक्सी बाई दृष्टि वर्मा। और जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं भी आप लोगों के साथ में मेहनत करके जो करंट अफेयर है और जो यूपीपीसीएस के लिए शॉर्ट नोट्स है वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगी। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए, ये है पूरा फुल नोटिस आपका। सहायक वन जो ACF है और क्षेत्रीय वन RAO सेवा 2018, जैसे कि UPSC में होता है उसी की तर्ज पर, जैसे UPSC में IFS का पेपर होता है ना, उसी की तर्ज पर इसमें भी अब वैसे ही पेपर किया जाएगा। तो इसमें ये भी ऐड कर लिए गए हैं जो क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं उनकी भी एग्जाम। तो चलिए इसमें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वो 6/7/2018 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 2/8/2018 है और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 6/8/2018 है। और आपको ये तो पता ही होगा बहुत अच्छे से कि 19 अगस्त को आपका एग्जाम है ना। तो इसके बारे में आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं, समझती हूँ, आप सबको पता ही होगा। और रही बात एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या मैम एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके बारे में मैं आपको पहले से बता दूं कि अभी आप 19 अगस्त ही मान के चलिए, आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये कोई जानकारी नहीं है। आप 19 अगस्त मान के चलिए और 19 अगस्त के हिसाब से अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल किसी की बातों में मत आइए। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि 2015 का मेंस कैंसल होगा, बट स्टिल नहीं हुआ कैंसल और बहुत सारे लोगों का मेंस इसी वजह से खराब हुआ है। तो किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, वर्क हार्ड एंड अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये पूरा ऑनलाइन की पूरी इसमें विधि दी हुई है। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। सबसे मेन तो सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस से ही इस बार जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो उन्हीं सब के बारे में मैं आपको इसमें बताती हूँ डिटेल बात। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कुछ विशेष पद हैं जिनके लिए शैक्षणिक अर्हता विशेष जरूरी है, तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। इसमें देखिए, ये सहायक अभियोजक अधिकारी परिवहन विधि में स्नातक होना चाहिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद जिला प्रशासनिक अधिकारी स्नातकोत्तर डिग्री, जिला गन्ना अधिकारी कृषि स्नातक होना चाहिए, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी वित्त लेखा परीक्षा वाणिज्य स्नातक होना चाहिए, सहायक नियंत्रक विधिक मापन विज्ञान श्रेणी में एक भौतिकी यांत्रिकी होना चाहिए, सहायक निदेशक उद्योग विपणन, सहायक निदेशक उद्योग हथकरघा, इसमें कला विज्ञान वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या वस्त्रोद्योग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि में वस्त्रोद्योग में कम से कम स्नातक उपाधि होनी चाहिए, सहायक श्रमायुक्त वाणिज्य विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक, जिला कार्यक्रम अधिकारी समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक, जिला प्रोबेशनरी ऑफिस अधिकारी मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर, अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी। यह भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता हो, ठीक है। ये आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा।
सांख्यिकी अधिकारी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में गणित सांख्यिकी की उपाधि हो, ठीक है। श्रम में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, श्रम, श्रम कल्याण, इस टाइप से ये श्रम के लिए है, ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ पोस्ट पर आता है, जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, पटकथा लेखक, प्रभारी अंग्रेजी, अनिवार्य अर्हता, भारत में किसी द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के समकक्ष में हिंदी में स्नातक या फिर डिप्लोमा हो, 5 वर्ष का पत्रकारिता में, ठीक है। तो ये आप इसके फीचर्स भी देख लीजिएगा। सहायक वन के लिए तो आपको पता ही है, फिर इसमें ये सहायक वन के लिए आपको न्यूनतम शारीरिक ये मान्य ये भी जरूरी पड़ेंगी आपको, ठीक है। शारीरिक क्षमता पुरुष और महिलाओं की दी गई है, हाइट दी गई है पुरुष की 163 और सीना 84, ठीक है, और महिला 150, सीना 79, ये सब दिया गया है इसमें, आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है मेंस का, सब मेंस का आपको जो सिलेबस है, क्योंकि आपको मेंस की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी तब जाके आप सोच सकते हैं, क्योंकि इस बार सब्जेक्टिव है। तो चलिए मेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें ये दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में ये सब इसमें सब अर्हताएं दी गई हैं। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा, देखिए ये है पूरा इसका मेंस का, मेंस में क्या क्या होगा, रिटर्न होगा इस बार मेंस, अनिवार्य विषय है सारे, पहला हिंदी, फिर दूसरा निबंध, तीसरा सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र और चतुर्थ सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र, ये तो 4 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद एक आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें है अनिवार्य विषयों तथा हिंदी निबंध में सामान्य प्रश्न पत्र 3 घंटे निर्धारित किया गया है, 3 घंटे वाले प्रश्न पत्र समय पूर्वा ये तो अलग बात है, ठीक है। अब ये वैकल्पिक विषय में क्या क्या है देख लीजिए, कृषि, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगोल, गणित, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, विधि, पशुपालन, सांख्यिकी, रक्षा अध्ययन, प्रबंध, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इतिहास, समाज कार्य, गृह विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, लोक प्रशासन, जिला चिकित्सा। हाँ, तो बहुत सारे लोगों का ये एक बहुत सारे लोगों को डाउट था कि क्या ये सोशल वर्क रहेगा, तो देखिए सोशल वर्क इसमें से हटा दिया गया है, तो ये डाउट भी आपका एक क्लियर हो गया कि, और जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें के प्री, प्री के बारे में इसमें जो दिया गया है, देखिए प्री के बारे में तो वो सेम ही है जो है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण और से संबंधित समान विज्ञान, ठीक है, जैसा पहले प्री होता था वैसे ही प्री होगा, इसमें कोई शायद चेंज नहीं है, और सेकंड पेपर में भी लगभग सेम वही है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब हम बात करते हैं मेंस की, तो देखिए मेंस में एक तो होगा सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी वही है सब कुछ उसमें ही जैसा कि होता आया है, दूसरा है निबंध, निबंध साहित्य, समाज क्षेत्र वही है सब। नेक्स्ट है अपन बात करते हैं इसमें सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें इसका जो इसके जो डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो सामान्य अध्ययन सांस्कृतिक इतिहास ये देख लीजिए आप थोड़ा थोड़ा, इसमें मैं आपको बता देती हूँ सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 है, इसमें भारतीय संविधान और ये सब दिया गया है। इसमें आप करिए क्या, सबको एक पेपर लीजिए, इसको आप अपने नोटिस बोर्ड पे लगा दीजिए और बार बार इसको देखिए कि किस एग्जाम में आपको किस तरीके की तैयारी करनी है, ठीक है। और अब ये प्रश्न पत्र 1, 2 थर्ड पेपर, थर्ड में क्या है, पेपर थर्ड में आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स दिया गया है पेपर थर्ड में, जहां तक है सरकार की बजट प्रणाली, इकोनॉमिक्स और पर्यावरण भी थर्ड में दिया गया है। नेक्स्ट है नीति शास्त्र, और पेपर 4th में मतलब जो नीति शास्त्र से संबंधित जो भी कार्य है वो पेपर 4 में दिए गए। तो ये है पूरा डिटेल, और इसका डिटेल जो एनालिसिस है सब्जेक्ट को लेकर, मतलब जो आप बोल सकते हैं कि जो जनरल स्टडी की जो सब्जेक्ट है उसको लेकर डिटेल एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, मैं रूप सर आप सबके लिए लाया हूँ मध्य प्रदेश ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो अन अकेडमी 1 पर। आई एम एडुकेटर ऑन अन अकेडमी।
अन अकेडमी तेजी से बढ़ता हुआ देश का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आप और भी वीडियो देख सकते हैं जो स्टडी से रिलेटेड हैं आपके लिए।